कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको बता दूं कि अगर टाइगर सफारी करनी है तो वो सेमाडो से होगी और चिकलदरा से भी हो सकती है। हाँ, 1500। गुड मॉर्निंग गाइस, सकाळचे वाजलेले आहेत 8:30। आता आम्ही नकुलच्या घरून निघालेलो आणि आमचा नाश्ता वगैरे आम्ही सर्वांनी सोबत घेतलेला आहे। तर नकुलच्या घरच्यांना आम्ही बाय बाय केलेलं आहे आणि सकाळीच मॉर्निंगमध्ये निघालेलो आहोत। तर बघा, हे सर्वजण आहे। उठ्यो सांगा रे, उठ्यो निघालेलो। अभी यहां से निकलेंगे, आराम से जाएंगे, सिमाड़ो को रबड़ी भी खाएंगे और हुआ तो साथ में ले लिया है। मस्त एक अच्छा स्पॉट देख के नाश्ता भी करेंगे 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 तो ओवरऑल बहुत फन करेंगे जाते वक्त भी हम अभी। तो गाइस, अभी हम जंगल में रुके थोड़ा सा, नकुल के मम्मी ने थोड़ा सा नाश्ता दिया था, वो नाश्ता अभी खाएंगे। तो अभी इन्होंने फाड़ भी लिया, शायद खा भी रहे। गाइस काय करा रे तुम्ही? नाश्ता करून निघतो आम्ही, कळवतो तुम्हाला पुढे काय करतो आम्ही। ठीक आहे। अभी हम रुके हैं हरिसाल के पास, यहाँ बजे 10:30। तो हम टी ब्रेक ले रहे हैं, सब टी ले रहे हैं। अपना टी शॉप दिखा भाई। और ये जो पीछे ये छोटा सा टी शॉप है, तो ये हरिसाल के कुछ तो पास है। अभी यहाँ से परतवाड़ा जहाँ पे हम लंच करने वाले हैं, वो फिर अभी भी 2-3 घंटे की दूरी पे। हम मस्त खा रहे हैं, बहुत वो होटल का नाम मत रिवील कर भाई। बहुत नामी होटल है वो, लेकिन तुमको वहाँ पे जाके दिखाएंगे हम। तो वहाँ पे जाके दिखाएंगे। दादा ने बताया, इन्होंने बताया, इन्होंने बताया वो होटल बहुत अच्छा होटल है, मस्त है वो, पूरा पूरा मस्त है। तो अभी मस्त है, बहुत मस्त है, मस्त मतलब फेमस है पूरा। अभी मैं लूंगा चाय और देखते आगे। चलो भंडाला सुटलो आम्ही मंगे, तो येतं 1 किलोमीटर पासून पैदलच पैदल आहे। डेंबू म्हणतो आम्ही त्याचा, ऑटो घ्यायला मग गेली आम्ही पैदल। हा कसा, हा कसा पैदल नाही म्हणते कुठे, म्हणून आले 1 किलोमीटर सोड ते सोड सोड ना सोड ना सगळ्यात जास्त कोण म्हणत जा माहिती आहे। तो अभी हम कोलखास आए है हत्ती सवारी करने। तो यहाँ पे पहले हमको ये करना पड़ेगा, एंट्री करना पड़ेगा, बाद में अंदर जाएंगे और थोड़ा हत्ती सवारी करेंगे। कारे भाव तू हत्ती और बचा जाएगा, खूब माहौल मजे मजे ना रहता, खूब माहौल मजे मजे ना रहता, खूब मजा करना रे मैं। आम्ही आता बसना रे हत्ती वर सर्वजण, आणि इथून कुठतरी हत्ती आम्हाला पण माहिती नाही कुठे आहे, तर पण आम्ही आता त्यांना विचारपूस करू बसणार आहे सर्वजण। तर आता गाडी मागेच लावली आम्ही, पायी पायी जाय, पायी पायी जाण्याचा आनंद घेतोय। तर मग पट्ट्या हो टप्पे हो बोल, हो टुळले बा बोल बा,
पई पई चाललो आता हे पा गद्याची लीत पा ती हत्तीची लीत आहे हे खोड असं अख्खा पचवते कोण एक गळी पचवते कपिल तो गळी दाखव कोण येतात पचवते पचवते आपली गाळी चालली कळक चला हा माणूस तो अभी हम आए थे हाथी की सवारी के लिए पर हमें पता चला कि जो हाथी है वो ऑलरेडी जंगल के लिए निकल चुके हैं मतलब जो लोग है वो सवारी के लिए निकल चुके हैं यहाँ से। तो हमने अभी भैया को पूछा कि हाथी की सवारी हमें करने मिलेगी क्या, तो उन्होंने बोला कि अभी जो हाथी है वो आधे घंटे के बाद आएंगे और तब तक 12 बज जाएंगे। तो शायद अभी हमें यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हो कि हमें सवारी ना मिले। तो ऋषि जिसको सवारी करनी थी देखते क्या कहता है वो। कुछ नहीं कहता सफारी करनी थी और मुंह पीला हो गया। बट यहाँ पे खाने के लिए कुछ है तो कैंटीन है तो देखते हैं वहाँ पे कुछ अच्छा मिलता है तो खाएंगे। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं अभी क्या करने का है। तो अभी तो हमें बहुत बुरा लग रहा है आप बहुत बुरा बहुत बुरा मुंह दे सकते हैं अभी देखो अभी यहाँ पे हम कैंटीन में आ गए। तो आपको कोलकाता के अगर हाथी सवारी करनी है तो ये रहा बोर्ड सफारी ऑन इलेफेंट। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है टाइमिंग। सफारी ऑन इलेफेंट का टाइमिंग है सुबह 9 से 12 और इवनिंग में 3 से 6। तो 12 से बहुत एक घंटा पहले आ जाओ क्योंकि हाथी निकल जाते हैं तो फिर आपके हाथ में नहीं लगेंगे जैसा हमारा हुआ है। हम 11:30 आए बट यहाँ पे एक भी हाथी नहीं है और 12 बजे बंद हो जाएगा। सो जल्दी आओ हाथी की सफारी करो और एंजॉय करो। तो फाइनली हम लोगों ने हाथी सवारी का मज़ा लिया। अगर आप भी कोलकाता आते हो तो ज़रूर आपके फैमिली के साथ हाथी सवारी करो क्योंकि इसका अलग एक्सपीरियंस मिल सकता है आपको और आप बहुत एंजॉय करोगे आपके फैमिली के साथ। बाबा सवारी करून आलो आता सवारी करून आलो हुआ मैं आता उतरून आलो उतरो तो बाबा मजा आली मस्त आली वाटली एकदम बढ़िया का रे बाबा ओ सांगता थे अरे बाबा रे खूप मस्त वाटली सवारी एकदम भारी एकदम यांची सवारी असं असं दे तुम ज्या खाली सध्या हो खाली वरती होती बाबा दे पुरो असं दात ना आहे रे लय जाम आली। आता आम्ही चाललो आहे कोलकाता मधून रिटर्न। कोलकास मधून निघून आम्ही आता चाललो शिमाडो रबडी शिमाडो काय खावायचं आहे रबडी कोणती खावायची आहे रबडी रबडी आले थांबना दाखव ना हळू थांबना ते सवराना झाडावर झाडावर भरायचे उभारून पाहून राहिला थांबना और अब रबड़ी के लिए शेमाडो आ गया है आमी आलो शेमाडोले आनी आज का डे है मंगलवार और ये शेमाडो में मंगलवार के दिन ऐसा बाजार भरता है
वीकली बाजार बोलते इसको। तो हम आए थे बाजार में और जो अपनी पलटन है वो खा रही है पानीपुरी। तो पानीपुरी कैसी है मैं पूछता हूँ, पानीपुरी कैसी है भाई लोग? अभी बनाना चालू है हाँ, मुझे बताओ जल्दी। और पानीपुरी में खाने क्या खाना है? रबड़ी 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 उसके बाद अपनी शेवपुरी शेवपुरी और ग्रेट से लेंगे फिर ग्रेट सी अच्छा है ग्रेट सी लेंगे बस फिर आदमी कूल हो जाएंगे। हाय गाइस आता आलो आम्ही सिवाडो आमची स्पेशल रबडी खायासाठी। हे बघा ही रबडी हे बा सिक्सी कशी सिक्सी रबडी हे बा कशी सिक्सी ओहो कशी माहोल रबडी कशी आहे भावा रबडी थांब एक खाऊन सांग लवकर गरम आहे मस्त खतरनाक आहे आमची बासुंदी अशीच झाली। भाव यानं जे एक्सप्लेन करून सांगितलं की त्यापुढे वर्ड्सच नाही। सेम 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 इतकी फेमस रबडी आहे खूप माहोल मी तुम्हाला सांगतो खाऊन। ओ हो हो रसिली रसिली रबडी। अरे आता आमचा ऋषी भाऊ सांगतो म्हणते रबडी बद्दल काही शब्दच नाही आहे ती शब्दच नाही आहे। तर गाईज आम्ही कोलकासावरून वापस येत आहे आणि आम्हाला प्रचंड प्रमाणात भूक लागली आहे एवढी खतरनाक भूक। आणि नकुल आपले दादा त्यांना खूप भूक लागली होती आणि आम्ही परतवाड्याचे एकदम फेमस ढाबा आहे पंजाबराव पाटील खूप फेमस ढाबा आहे म्हणजे इतकी चव एक वराडी चव आहे बेस्ट चव आहे एकदम। चला आम्ही आता तर आमचं बस जेवणाचा कार्यक्रम भेटूया। तो गाईज इसी टाइप का आपको बोर्ड देखने को मिलेगा पंजाबराव पाटील जो रेस्टोरेंट है उसका, उसके बाद ये इतनी सारी भीड़ है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो पंजाबराव पाटील वराडी ढाबा एंड फैमिली गार्डन और भीड़ देख सकते हो आप कितनी भीड़ है। तो इसी तरह से अगर आप कोलकाता से जाते हो तो ये आपको लगेगा रास्ते में, यहाँ पे आप रुक सकते हो खाना खा सकते हो वेज नॉन वेज दोनों भी। और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप बताइए ज़रूर। अगर आपको अच्छा लगा तो आप दूसरों को भी बता सकते हो। तो हम भी यहाँ पे पहली बार आए हम लोग टेस्ट करके आपको भी बताएंगे, लेकिन हम लोगों ने जितना सुना है कि यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। जितना हम लोगों ने इस रेस्टोरेंट के बारे में सुना था उतना टेस्टी खाना नहीं था, बट फिर भी हम लोगों ने ट्रिप में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए इस वीडियो को। और इसी खाने पे हम लोग इस ब्लॉग को करते एंड और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही प्यार बांटते रहिए और एंजॉय करते रहिए। Thank you so much. Video end the link.